गीतर और मगरमच्छ का बहुत याराना था। दोनों हर वक्त इकट्ठे रहते, खाते पीते, गपशप लगाते और ज्यादा वक्त घर से बाहर ही गुजारते। गीदर कंवारा था, लेकिन मगरमच्छ की शादी हो चुकी थी। मगरमच्छ हर वक्त खफा खफा रहती कि मगरमच्छ की इस अवारा गीदर से कैसे जान छुटे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी, वो बीमार बन गई। रात देर से जब मगरमच्छ घर लौटा तो वो दर्द से चिल्लाने लगी, हाय हाय मेरे पेट में दर्द, हाय हाय मेरे पेट में दर्द, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मगरमच्छ ने पूछा, अबे बेगम बेगम, ये दर्द कैसे ठीक होगा? मगरमच्छ कहने लगी, इसका इलाज गीदर का दिल है। जब तक मैं गीदर का दिल नहीं खा लेती, मैं इस दर्द से जान नहीं छुड़ा सकती। हाय हाय, मुझे गीदर का दिल ला दो। मगरमच्छ कहने लगा, ये कौन सी परी बात है, मैं अभी गीदर का दिल लेके आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। उसने गीदर को साथ लिया, इसे कमर में बिठाया और दरिया में ले गया। जब वो दरिया के दरमियान में पहुंचा तो मगरमच्छ गीदर से कहने लगा, गिद्धू गिद्धू, आज तुम्हारी दोस्ती की आजमाइश है, मुझे तुमसे एक चीज मांगनी है, मुझे उम्मीद है तुम मुझे नाराज नहीं करोगे। गीदर बोला, दोस्त की खातर मेरी तो जान भी हाजिर है, मांगो, क्या मांगते हो? मगरमच्छ कहने लगा, मेरी बीवी बहुत सख्त बीमार है और उसकी बीमारी का इलाज सिर्फ तुम्हारा दिल है, मुझे तुम अपना दिल निकाल के दे दो। गीदर एकदम चौंक गया, उसने चिल्लाकी से कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यार मगू, मैं अपना दिल तो पिछले किनारे पर ही छोड़ आया हूँ। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो वापस चलो, किनारे से उठाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। फिर दोनों किनारे की तरफ आने लगे। जब किनारा करीब आया तो गीदर ने यकदम छलांग लगाई और किनारे पर पहुंच गया और वहां से दुम दबाकर भाग गया। मगरमच्छ ने जब ये देखा तो वो अफसोस करने लगा। हाय हाय, मैंने अपनी बीवी का कहा क्यों माना और आज अपने इतने अच्छे दोस्त को खो दिया, काश मैं अपनी बीवी का कहा ना मानता।